गुड इवनिंग, मेरा नाम रूपेश यादव, मैं राठ महाविद्यालय पैठानी डीपीएड का फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं एक शॉर्ट पुट के टेक्निक के बारे में बताना है। टेक्निक का नाम है पैरी ओवरहैंग। मैं आपको पहले एक बार ऐसी करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बाई पार्ट बताऊँगा कैसे होता है। अब मैं इसको बाई पार्ट में करके आपको बताऊंगा, और मैंने इसको 7 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। अब हम आपको पहला क्वेश्चन जो हमारा है ग्रिप है। ग्रिप कैसे करते हैं मैं आपको पहले बताऊंगा। ग्रिप करने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो इंडेक्स उंगलियां नहीं है हमारी, दो आगे घूरेंगी सपोर्ट के लिए और 3 उंगलियां हमारे पीछे घूरेंगी। अगर ये हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे पाम में लगेगा, अगर पाम में लगेगा शॉट तो हमारा क्या होगा, फाउल होगा। इसलिए पहला पोजीशन हमारा होगा ग्रिप। अब दूसरा पोजीशन हमारा क्या है, प्लेसमेंट का शॉर्ट पुट। अब प्लेसमेंट सबको कैसे करना है, हमें क्या करना है, कॉलर बीम पे करना है। अब ऐसे कॉलर बीम कर दिया, हमेशा ध्यान देना है कि अगर एक बार प्लेस शॉर्ट को मैंने यहाँ प्लेसमेंट कर दिया, इसको ना घसकाना उसकाना नहीं है, मतलब इधर उधर नहीं करना है, नहीं से क्या होगा हमारा फाउल हो सकता है। जो हमारा हाथ है ये पूरा स्ट्रेट होगा और ये हमारे बीच का यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ तीसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन हमारा क्या है, स्टांस है। अब एक बार आपने हो गया, और फिर हमारा चौथा पोजीशन है टी पोजीशन। अब टी पोजीशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका नाम टी पोजीशन इसलिए रखा गया क्योंकि हमारा जो जो लेफ्ट हैंड है जो नॉन थ्रोइंग है वो सीधा होगा, और जो सहायक लेग है हमारा वो सीधा इसलिए होगा, इसका पोजीशन इसलिए पोजीशन बोला जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्राउच करना है, ये हमारा पाँचवा होगा। क्राउच में क्या करना हमें, जितना हम बैंड होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा हमें फोर्स जनरेट होगा। तो हमें क्या करेंगे, हम पूरा बैंड होंगे।